की सीमा पर हिंसक झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए सैनिकों में मध्य प्रदेश के रीवा का बेटा भी शहीद हो गया। 21 साल के दीपक सिंह के शहीद होने की सूचना सेना के अधिकारियों ने फोन पर उनके पिता को दी। जवान बेटे की शहादत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। आपको बता दें कि 8 महीने पहले ही दीपक की शादी हुई थी। गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को रीवा लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। दीपक के पिता ने कहा कि दीपक की शादी पिछले साल ही नवंबर में हुई थी, अभी तो 8 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। दीपक मार्च के महीने में होली मनाने के लिए घर आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि दीपक अब शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर ही घर वापस आएगा। दिल बहुत भारी है, लेकिन बेटे ने सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया। अधिकारियों ने पिता गजराज सिंह को बताया कि दीपक के पार्थिव शरीर को लेह में रखा गया है, उसे गुरुवार को रीवा लाया जाएगा। यहां से उसे उनके गांव फरेहदा ले जाया जाएगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीपक अपने बड़े भाई प्रकाश सिंह से प्रेरित होकर सेना में गए थे। उनके बड़े भाई भी सेना में हैं और सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। शहीद दीपक सिंह मिलनसार स्वभाव के थे, उनके भाई को भी शहादत की सूचना दे दी गई है। दीपक का पार्थिव शरीर विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद बुधवार की देर शाम तक गृह गांव के लिए रवाना किया जाएगा।